एक और अगला सवाल है सर आपसे कि ईएमआई जो है किस तरह से पे कर सकता है कस्टमर अगर गाड़ी कोई लेता है लोन पे, और उसकी क्या क्या ऑप्शन है, उसको भी सारा जानकारी आप इस टॉप वीडियो में बताएं कि लोग। सर जैसा कि आपका सवाल था कि ईएमआई पेमेंट की क्या सुविधा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे यहाँ डीसीसी कलेक्शन है, डायरेक्ट कैश कलेक्शन, यानी शोरूम में आकर के आप पेमेंट दे सकते हैं, और साथ ही साथ एनडीसीसी भी है, अकाउंट से डेबिट होता है। अगर आप बाई चांस अगर आप अपने फ़ोन पे से या गूगल पे से करना चाहते हैं तो लोन रीपेमेंट के माध्यम से फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और डायरेक्ट हमारा बीएफएल का ऐप भी है उसमें भी आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ी कुछ सावधानियां जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप फ़ोन पे में किसी अनजान लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं कि आप ईएमआई जमा कीजिए, एक ईएमआई जमा करेंगे दो ईएमआई माफ़ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है सर। एक्चुअली क्या होता है, वो लोग फ्रॉड कॉल करते हैं और आपके पैसे को हड़पने की मंशा से वो लोग कॉल करते हैं, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। और आप लोग को ये जानकारी दे दें, बिना अनजान व्यक्ति को ओटीपी देना और गूगल पे फोन पे में पेमेंट ना करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो आप पैसे का नुकसान हो सकता है और एक अच्छी खासी क्षति आपको हो सकती है, तो ये बात ध्यान में रखें। और लास्ट और अंतिम सवाल सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपना शोरूम का पता हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि वो लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आकर के आपके शोरूम से गाड़ी ले सके। तो कृपया पूरा डिटेल्स में अपना शोरूम का पता और मोबाइल नंबर के साथ हमारे व्यूअर को सर बताइए। ये लास्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, शोरूम का पता है दुर्गेश्री मोटर्स, एलआरपी चौक बहादुरगंज, एलआरपी चौक किशनगंज वाले रोड में आपको मिल जाएगा। फ्रंट में कब्रिस्तान है और साइड में होर्डिंग बोर्ड है एनएस नेशनल हाईवे का, और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा, और सर को बोलूंगा कि आप नंबर मेंशन कर दीजिए और वो डिस्प्ले में मेंशन करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत हो, जानकारी चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप किशनगंज जिला से हैं तभी सर फ़ोन करें, अगर आप बाहर से हैं तो कृपया फोन ना करें, अपने नियरेस्ट बजाज शोरूम से ही संपर्क करें, ये मेरा सलाह पर्सनली है। ओ बाबा आप आइए, आपका तो वेलकम था, आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए कुछ बोल दीजिए। हाँ रुको, हमको भी कुछ कहना था आप लोगों से, तुमको और हम लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना खा रहे हो, बोलो, बोलते काहे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। हाँ ये हुआ ना पा, शर्मा रहा था क्या बोले, शर्मा रहा है, समझ रहे ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, वो शर्मा रहा है, आप तो नहीं शर्मा रहे ना। अब आया मजा, नया वीडियो मिलेगा यहाँ पर, आप ही से कह रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ठीक, जय हिंद। हाँ नजर आपका पड़ा ना, हमारे चश्मा का डंडी टूट गया है, समझे, उससे कोई बात नहीं है, नया खरीद लेंगे। बहुत है, नमस्कार भैया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिन शुभ हो, घर परिवार सब मजा में रहे, ऊपर वाला से ही दुआ करबे अहाँ के लिए, मिलबे फिर नया वीडियो में।